रिकॉर्ड को मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 3000 करोड़ रुपए के ई टेंडर घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये ई टेंडर घोटाला क्या है और एकाएक इसकी फाइल कैसे खुल गई है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने सरकार की ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया में टैपरिंग को लेकर अप्रैल 2018 में मुख्य सचिव को एक प्रतिवेदन भेजा था। इसमें जल विकास निगम के 3 पदों सहित लोक निर्माण के 2, जल संसाधन के 2 और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट का 1 और सड़क विकास निगम का 1 टेंडर शामिल था। बताया जाता है कि इनमें छेड़छाड़ कर 8 कंपनियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया था। तभी से मुख्य सचिव ने आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा को ज्ञापन सौंपा था और इसकी जांच चल रही थी। अब सवाल इस बात का है कि ई टेंडर घोटाले में क्या था। सरकारी टेंडरों के लिए ऑनलाइन एक प्रक्रिया बनाई गई थी। इसमें जिस विभाग के टेंडर होते थे वहां टेंडर खोलने वाले अधिकारियों से जुड़े कर्मचारी एक डिजिटल सिग्नेचर होता था। उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उसे बदलना तो दूर टेंडर को खोलकर भी देख नहीं सकता था, मगर टेंडर प्रक्रिया से जुड़े लोगों की मिलीभगत से कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में छेड़छाड़ की गई। अप्रैल 2018 में जिन 9 टेंडरों में छेड़छाड़ हुई उन्हें निरस्त कर पूरी प्रक्रिया दोबारा की गई थी। 10 कंपनियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। उनमें भोपाल की कंपनी राम कुमार नरवानी, ऑस्मो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिमिटेड वडोदरा की कंस्ट्रक्शन कंपनी सोठिया वेलजी प्राइवेट लिमिटेड और मैसेस माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड हैदराबाद की मैसेस जीवीपीआर लिमिटेड शामिल है। अभी तक इसमें सरकारी अधिकारियों का नाम शामिल नहीं किया गया है। उनके नाम से अज्ञात एफआईआर दर्ज की गई है जिसका खुलासा बाद में होगा। इनमें जल निगम, पीडब्ल्यूडी, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, सड़क विकास निगम और जल संसाधन विभाग के टेंडर प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.